देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं, खुला हुआ है जो वही देख लेते हैं। देखिए अब क्या है, हम सब सारे कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन हम कोशिश कर रहे हैं सब मिला के आपको समझा दें। देखिए यहाँ पे अगर नहीं, यहाँ पे 12 वोल्ट ही आता है, ठीक है। यहाँ पे जब 12 वोल्ट होता है तो अब देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टर है और एक रेजिस्टर है, ग्राउंड है सीरीज़ में, मतलब ये वोल्टेज डिवाइडर बनता है। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर हमारा बन रहा है, तो R1 हो गया हमारा 649, R2 हो गया हमारा 232, तो यहाँ पे लगभग 3.1 वोल्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मान लेते हैं 2 वोल्ट। अभी कौन बड़ा है ये दोनों में? ये दोनों में हमारा पॉजिटिव बड़ा है। जैसे पॉजिटिव बड़ा होगा तो मतलब यहाँ पे ये पाथ का इम्पीडेंस हाई रहेगा। इम्पीडेंस हाई रहने से क्या होगा, ये वोल्टेज यहाँ पे फ्लो करेगा, और ये एन चैनल मॉस्फेट है, इस गेट को ट्रिगर कर देगा, और ये 3 वोल्ट पुलअप दिया गया था ये ग्राउंड हो जाएगा, और बैट आउट पे 0 वोल्ट मिलेगा, मिल आएगा नहीं कुछ। ठीक है, तो चलिए और एक केस में देखते हैं। अगर ये हमारा 2 वोल्ट है, ये अगर 2 से उतर जाता है, इवन 1.9 भी हो जाता है, तो क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा होगा तो यहाँ पे 0 होगा। 0 मतलब क्या, ये ग्राउंड कर देगा। हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ये ग्राउंड हो जाएगा तो क्या होगा, ये 3 वोल्ट भी ग्राउंड हो जाएगा यहाँ पे, और वोल्टेज आपको मिलेगा नहीं कुछ। यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये ट्रिगर नहीं करेगा, ये ट्रिगर नहीं करेगा तो ये ग्राउंड नहीं रहेगा, ये ग्राउंड नहीं होगा, ये ग्राउंड नहीं होगा तो ये जो वोल्टेज है ये यहाँ से निकल जाएगा और आपको बैट आउट सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा। ये हो गया इस सर्किट का काम।